अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय टेरेस गार्डन। इस वक्त मैं अपने टेरेस गार्डन में हूँ। ये है मेरा फाइलोडेंड्रोन प्लांट, जिसको रेड कॉन्गो के नाम से कॉल किया जाता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है और देखने में बड़े ग्रेट लगते हैं। और इस वक्त मैंने अपने प्लांट में इस प्लांट को ऐड किया है। ये माशाल्लाह से इसकी एक वैरायटी है, ग्रीन है, ये ग्रीन प्लांट होता है। और इसके नीचे से स्टेम आप देखेंगे लाइट ग्रीन होती है, और इसके यहाँ से होते हैं ना, ये रेड होती है, स्टेम जो होती है इसकी रेड होती है। और इसकी न्यू शूट है, इसकी देखिए आप न्यू शूट निकल रही है। वैसे तो ये गार्डन में अगर हम इसको रखेंगे तो ये इंडोर प्लांट ही हैं, या आप इंडोर ही रख सकते हैं, या अपनी बैल्कनी में रख सकते हैं, या आपने किसी भी लाउंज या किसी भी टीवी लाउंज साइट पे या किसी भी साइट पे, ऐसी जगह पे रख सकते हैं जो इंडोर हो। अच्छा, इसको आप एक दफ़ा परचेस करते हैं, ये कई साल तक आपके साथ प्लांट रहता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। मेरा ये जो प्लांट है, अगर इसकी देखें, ये एक, ये मैंने इसके अंदर दूसरी स्टेम लगाई भी है। ये दूसरा प्लांट है जो कि नीचे से भी ग्रीन है, जिसकी मैंने छोटी सी एक कटिंग है जो मुझे मिली थी, वो मैंने लगाई थी, इसकी कटिंग है वो लगी है। इसकी भी रूट्स निकल गई हैं, थोड़ी थोड़ी रूट्स निकल चुकी हैं। इसमें टू वैरायटी हैं, एक रेड स्टैम्प है इसकी, एक ये वैरायटी है, और इसमें एक ये है जिसमें ग्रीन स्टैम्प है। ये देखें, ग्रीन लीफ के नीचे से ग्रीन स्टैम्प है, और इसकी स्टैम्प भी ग्रीन है। और ये वाली जो वैरायटी, इसको रेड कॉन्गो के नाम से कॉल किया जाता है। अच्छा, ब्लैक कार्डिनल के नाम से भी इसको कॉल किया जाता है। इसकी एक वैरायटी बहुत ब्लैक उसका लीव होता है, उसको ब्लैक कार्डिनल के नाम से कॉल किया जाता है। ये वैसे तो आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरती देते हैं, अगर आप इनको किसी इनडोर रखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मुझे तो ये प्लांट वैसे भी बहुत पसंद है, क्योंकि इसका लीव साइज़ देखें कितना खूबसूरत है, मुझे इसीलिए बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मज़ीद इसकी ग्रोथ होती रहती है, लीव साइज़ का बढ़ता रहता है। इसके अंदर आप अगर अच्छी कंपोज यूज़ करते हैं तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है। अच्छा, इसके लिए हमेशा अच्छी कंपोज यूज़ करें ताकि ये आपके साथ रहे। वैसे तो बड़ा ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये आपका, और ये इजीली आपको अवेलेबल होता है, इसकी ये वाली वैरायटी। इसकी वैसे तो कई वैरायटी होती हैं जो कि इन द वर्ल्ड अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में इसकी कई कुछ वैरायटी अवेलेबल हैं, और इसके मॉन्स्टेरा स्टाइल का भी इसका एक होता है, वो भी मिलता है। और कुछ वैरायटी बड़ी कॉस्टली होती हैं, ये वैरायटी भी आपको अगर आप परचेज़ करने जाएंगे तो 350 और 400 में ऐसा प्लांट आपको मिलेगा। और अगर आप ऐसी स्टैम्प में जो ग्रोथ हुई हुई किसने कटिंग से लगाए हुए होते हैं, तो वो प्लांट आपको 100 और 150 में मिल जाते हैं, ऐसे प्लांट आपको। ये प्लांट थोड़ा सा ये वाला आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है, लेकिन अगर आप इसको गार्डन में अपने ऐड करते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट। अच्छा, ये इसकी डाइट कॉज मैं आपको बताऊं, ये इजीली प्लांट एक दफ़ा आप लेंगे तो ये मरता नहीं है, और ये सारे साल चलता रहता है और इजीली ग्रो करता रहता है। अच्छा, इसे कटिंग से तो इसको नहीं लगा सकते, इसको स्टेम से ही लगा सकते हैं। इसकी स्टेम जैसे ही ग्रोथ करती हैं, ऊपर से बढ़ता जाता है, तो इसकी एक कटिंग लगा सकते हैं, उस तरीके से भी इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। और दूसरा ये कि देखें, इसमें न्यू शूट आप देख रहे हैं निकल रही है इसमें, माशाल्लाह से इसमें एक और लीफ की ग्रोथ होगी, और ये न्यू शूट है जो मेरा हो रहा है, जैसे ही ये निकलता है इसको भी मैं गार्डन में आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लगता है, और जो न्यू लीव इसका की ग्रोथ होती है वो बड़ा फ्लैशी सा होता है, और वो बहुत ही ग्रेट लगता है। दूसरी ये चीज़ के इसकी वैसे तो अगर आप इसकी ग्रोथ होती है तो ये वैसे काफ़ी टॉल हो जाते हैं, और ये इजीली स्टिक में लग जाते हैं, मज़ीद ये बढ़ता जाएगा। आप यहाँ से भी इसे इसकी स्टिक लगाएंगी ना, और इसको ऊपर तक लगाएंगे तो माशाल्लाह इसकी अच्छी ग्रोथ होती जाएगी। इसके लिए हमेशा ऐसा कंटेनर यूज़ करना पड़ता है जो जिसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी हो, लेंथ में बड़ा हो, तो छोटे से कंटेनर में ये नहीं लगता, क्योंकि इसके लीव टर्न होते हैं, और जब लैंड से इसके जब टकराते हैं तो वो ब्राउन होते हैं, लीव बर्न होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए इसको ऐसे कंटेनर में लगाएं ताकि ये
थोड़ा सा ऊंची हाइट का हो, जैसे ये है, ये मेरा कंटेनर है, ऐसे में लगाएं। और जैसे लीव बड़े होते हैं तो आप इस ऐसे प्लांट को भी बड़े कंटेनर में कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें। जब अगर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो ऑर्गेनिक ही यूज़ करें। काउ कंपोज हो गया, या लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप बनाना पील के टाइप के फर्टिलाइज़र ले सकते हैं, ओनियन का फर्टिलाइज़र आप ले सकते हैं, पोटैटो का वाटर जो होता है बॉयल करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये आपका प्लांट चलता रहता है। अच्छा, इसमें फॉलिएज तो कुछ होता नहीं है, इसमें फॉलिएज जैसा तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। अच्छा, ये जो प्लांट है जो है ये ऐसे वेदर को लाइक करता है, ना ज़्यादा इस समर हो ना ज़्यादा विंटर हो। विंटर में तो माशाल्लाह से इसकी अच्छी ग्रोथ होगी और बहुत ही अच्छा चलता रहता है, और समर में भी इसके लीव न्यू से न्यू आपको शूट नज़र आएंगी और ये अच्छा सा चलता रहेगा। मुझे तो ये प्लांट बड़ा ही अच्छा लगता है, मैंने अपने गार्डन में इसलिए इसकी, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है, मैं उन पर भी आपको वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जो ये मेरे पास सेम फाइलोडेंड्रोन की एक वैरायटी है, वो कुछ अलग वैरायटी है, वो भी फाइलोडेंड्रोन ही है, ये सेम है, तो मैंने इसको इसलिए ऐड किया है इन दोनों सेम वैरायटी को, बल्कि तीन वैरायटी हैं इसमें, एक ही मेरी कटिंग लगी हुई है, ये डिफरेंट वैरायटी है। देखें, इसकी ग्रीन है नीचे से, इसकी रेड है स्टेम जो चल रही है, और ये प्लांट ग्रीन है तो इसकी स्टेम ये लाइट ग्रीन है, इसकी लाइट ये रेड सी है, इसकी बड़ी डार्क सी स्टेम पे आपको नज़र आ रही है। तो माशाल्लाह से मेरे पास थ्री प्लांट हैं, इसकी थ्री वैरायटी हैं। अगर आपको इसकी कटिंग भी लग सकती मिल जाती है तो इसीलिए आप रेनी वेदर में, किसी अच्छे वेदर में इसको लगा सकते हैं, विंटर के बाद ही इसकी कटिंग लगा सकते हैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा चलता रहता है। वैसे तो समर में भी इसकी कटिंग लग जाती है इजीली, अगर आप थोड़े ह्यूमिड क्लाइमेट में उसको रखेंगे, थोड़े से ट्री के उसके नीचे रखेंगे बड़ी, या आप प्लांट के बड़े प्लांट के नीचे रखेंगे तो भी इसकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। और दूसरा, ये मैं इसकी कंपोस्ट की बात करूँ तो इसके हमेशा ऐसी कंपोस्ट हो, कंपोस्ट ड्राई हो तो ही इसमें वाटरिंग करें, और इसकी कंपोस्ट हमेशा इसको लगाएं तो वर्मी कंपोस्ट में कोशिश करें, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें, और कोकोपीट और सैंड की ही कंपोस्ट इसमें यूज़ करें। और वैसे तो ये काउ कंपोस्ट में भी ये प्लांट आपका माशाल्लाह से चलता रहेगा और इसकी अच्छी ग्रोथ रहेगी। अच्छा, इसमें कोशिश करें अल्टरनेटिव डे या दो दिन के बाद भी आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई आपके इसके लीव बर्ड नज़र नहीं आएंगे। जब तक इसकी सैंड ड्राई ना हो, कंपोज ड्राई ना हो, इसको 1 इंच फिंगर से चेक करके देखें, जैसी ही इसकी कंपोज ड्राई हो जाती है तो ही इसमें वाटरिंग करें, वरना इसके लीव बर्ड हो जाएंगे या ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे या टिप इसकी ब्राउन हो जाएंगी। और दूसरी ये कि वाटरिंग तो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन इतनी वाटरिंग ना करें, वेल ड्रेन ही हो इसके अंदर, होल अच्छा बना हुआ हो, वेल ड्रेन हो, सॉइल ऐसी ही यूज़ करें कि ये वेल ड्रेन हो, इजीली आपको वाटर को ड्रेन कर दे वो। चले, अब मैं वीडियो को एंड करते हुए न्यू प्लांट को नेक्स्ट न्यू वीडियो में, अब आने वाली वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कुछ थीम्स के साथ, कुछ आइडियाज़ के साथ, कुछ टॉपिक होंगे, हम होंगे और आप होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।